दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन सवर जाए। ऐसी ही जीवन को सवारने वाली एक कहानी। एक गांव में बहुत तेजी से मानव जाति वृक्षों का संहार कर रही थी। वे अपनी जरूरतों के लिए वृक्षों को काटते चले जा रहे थे। अब बादल का विशेष प्रेम वृक्षों के साथ होता है। जहाँ वृक्ष ज्यादा होते हैं वे वहाँ पर अपना प्यार बरसाते हैं, और वह बरसात के रूप में हमको मिलता है। तो मानवों की इस गलती को देखते हुए बादलों ने एक मीटिंग की, और मीटिंग में यह तय किया गया कि अब हम अगले 10 साल इस गांव में कोई भी बारिश नहीं करेंगे। और उस बात को बहुत कट्टरता के साथ वे सारे बादल वहां पर पालन करने की कोशिश करते हैं। अब यह बात, बादलों की यह मीटिंग वाली बात मनुष्यों तक पहुँचती है, और उस गाँव के जो मुखिया रहते हैं वहाँ तक बात पहुँचती है। मुखिया वह बात पूरे गाँव के लोगों को बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब यह सारे जो मानव प्रजाति रहती है, यह अपनी खेती बाड़ी के काम छोड़ने लग जाते हैं, अपने हलों को एक कोने पे रखने लग जाते हैं, और नए धंधों की तलाश करने लग जाते हैं, और दर बदर भटकते रहते हैं। बिना बारिश के उस गांव पे बुरा हाल होने लगता है। लेकिन एक किसान जो वहां पर था, वह प्रतिदिन अपने हलों को ले जाता, बंजर जमीन पर, सूखी जमीन पर हल चलाने की कोशिश करता और वापस आता। यह वहाँ से गुजरते हुए ये बादल कुछ टुकड़ों में घूमते हैं उस गांव में, कि हो क्या रहा है वह भी देख आए, ताकि इन मानवों को थोड़ी बुद्धि आए और ये वृक्षारोपण आदि प्रारंभ कर दें, ताकि हमारा प्रेम फिर से उन वृक्षों के प्रति आए और हम इस गांव पर अपनी बारिश कराएं। लेकिन मानव कहाँ बदलने वाला था, वहाँ कोई वृक्षारोपण वगैरह नहीं हो रहा था। लेकिन ये घूमते हुए बादल प्रतिदिन उस किसान को देखते हुए अपना हल ले जाता, खेतों पर चलाता और वापस आ जाता। कुछ महीने बीत गए, बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी यह किसान प्रतिदिन अपना हल चला रहा था। एक दिन बादलों का मुखिया उस गांव से गुजरा, और उसे यह बात मालूम थी कि इस गांव में एक किसान है जो प्रतिदिन अपना हल उस अपने खेत पर चला रहा होता है। तब वह जाकर पूछता है कि तुम यह क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो मालूम है कि अगले 10 साल अब यहाँ कोई बारिश नहीं होने वाली है। तब किसान कहता है, वह बात ठीक है, लेकिन मुझे तो हल चलाना ही आता है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता है। अब बारिश जब होगी होगी, लेकिन 10 साल में मैं कहीं हल चलाना न भूल जाऊं, इसलिए मैं प्रतिदिन आकर अभ्यास करता हूं कि जब बारिश होगी तब मैं हल चलाना नहीं भूलूंगा और मेरी उपज बहुत बढ़कर होगी। अब मुखिया तक यह जब बात यह सुनता है यह बात को, तो वह जाकर अपने बादल मित्रों को बताता है। वहाँ पर फिर से एक मीटिंग बुलाई जाती है, और बादल का यह मुखिया कहता है कि कहीं हम भी बरसना ना भूल जाएं। वह किसान तो प्रतिदिन इस काम को प्रेम करता है, और इस प्रेम के कारण वह जाकर हल चला रहा है कि मैं भूल ना जाऊं, और मुझे इसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं है, और हम बादल तो केवल बरसना ही जानते हैं, कहीं हम इस निष्ठुरता में, इस क्रूरता में हम भी बरसना ना भूल जाएं। हमें अपना समर्पण करना होगा, हमें मानवों तक कुछ और माध्यम से संदेश पहुंचाने होंगे कि वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। तब बादलों की एक जो मीटिंग के बाद में फिर मुखिया आता है, और उस किसान से बहुत प्रसन्न होता है, और उस गांव पर झमाझम बारिश प्रारंभ होती है। अब वे जो लोग जिन्होंने अपने हल को किनारे कर दिया था, वे दूसरे गाँव पर जाकर, दूसरे राज्यों में जाकर अपने नए नए धंधे तलाश कर रहे थे, अब उस गांव में अकेला यह किसान था जो फसलों की पैदावार को बहुत मात्रा में पाया। भरपूर बारिश हुई, भरपूर फसल हुई, और उस फसल से जो मुनाफा हुआ वह पिछले 10 वर्षों के मुनाफे के बराबर इस किसान को मिल जाते हैं। किसान भी प्रसन्न हो जाता है, और बादल भी किसान से एक नई चीज़ को सीखते हुए अपने जीवन में लाते हैं कि हम जो कर सकते हैं हम वही कर सकते हैं। तो हमारा जो काम है हम वही कर सकते हैं। बादलों ने यह सीखा उस किसान की निष्ठा पूर्वक जो काम वह कर रहा था, कि मुझे इसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं है, और उसके इस निष्ठापूर्वक कार्य के कारण, उसके इस प्रेम पूर्वक कार्य के कारण, उसके इस समर्पण के कारण बादलों को भी झुकना पड़ गया। और जो उन्होंने ठाना था कि 10 वर्ष इस गांव में बारिश नहीं करेंगे, वहां झमाझम बारिश प्रारंभ होने लगती है। दोस्तों हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमारे जीवन में कुछ उल्टा पुल्टा होता है, कुछ हमारे मन मुताबिक नहीं होता है। हम कुछ प्रयास जरूर करते हैं कि चलो कर देखते हैं कुछ दिन, लेकिन वह प्रयास आधा अधूरा प्रयास होता है, उसमें समर्पण नहीं होता, उसमें प्रेम नहीं होता, जिसके कारण हम नए
लोभ में, नए प्रस्तावों में आ जाते हैं और अपने धंधे बदलने लगते हैं या अपने कार्य बदलने लगते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि उस कार्य में जो आपने समय दिया था, जो मेहनत दिया था, आप आधे अधूरे में उसे छोड़कर फिर कुछ नया अपनाने लग जाते हैं। और हर कार्य में मेहनत लगती है, हर कार्य को सीखना पड़ता है, हर कार्य समय चाहता है। ऐसा नहीं कि आपने कार्य प्रारंभ किया और आपको तुरंत मुनाफा होने लग जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कोई भी काम हो, चाहे वह एक छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, समय मांगता है। आपका समर्पण चाहता है कि आप उससे कितना समय देते हैं, और जब आप उसे समय नहीं देते हैं तो वह काम आपसे रूठ जाता है और कहीं और चला जाता है। लेकिन ऐसे लोग और हर सफल इंसान उस काम को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसमें सफल नहीं हो जाता। तो हमें भी सफल लोगों की इस आदत को अपने भीतर लाना होगा, सफल लोगों की इस बात को, इस आदत को हमारे अपनी आदत बनानी होगी कि जो काम मैंने प्रारंभ किया है, मैं उसके अंत तक जब तक ना पहुंच जाऊं, तब तक मैं वह कार्य छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर यह कट्टरता हमारे भीतर आ जाए तो आप एक छोटे से छोटे काम से लेकर एक बड़े से बड़े काम को बहुत सफलतापूर्वक करेंगे, क्योंकि प्रकृति आपकी परीक्षा कैसे लेगा। आपने जो काम प्रकृति ने सौंपा है कि आपको इससे मुनाफा मिलने वाला, फिर वह कोई भी काम हो, वह कोई साधना हो, वह कोई कार्य हो, वह कोई व्यापार हो, वह कोई नौकरी हो, प्रकृति इसी ढंग से परीक्षा लेती है कि आप उस कार्य के लिए, अपने उस धंधे के लिए, आप उस अपने मुनाफे वाले कार्य के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपनी साधना के लिए कितने समर्पित हैं। और जब आपका समर्पण सच्चा हो जाता है, ठीक इस किसान की तरह कि बारिश जब होना है होगा, मुझे तो केवल हल चलाना ही आता है, जब आप भी ऐसे हो जाते हैं कि परिस्थितियाँ कुछ भी हों, आसपास के लोग कुछ भी बोलें, मुझे तो बस यही काम आता है और मैं यही सफल हो सकता हूँ। और जब आप ऐसे ठान कर कोई कार्य करते हैं, जब आप इस समर्पण के साथ में, इस कट्टरता के साथ में कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं, तब आप उसमें सफल होके ही रहेंगे। और सफलता का यही रहस्य है कि जब तक हम उस कार्य में अंत तक ना पहुँच जाएँ, उसकी मंजिल तक ना पहुँच जाएँ, तब तक हमको उसके आधे अधूरे रूप में नहीं छोड़ना है।